आमिर खान की टर्की ट्रिप पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, क्या कुछ इस ट्रिप से रिलेटेड बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं, और क्यों लोग अपोज कर रहे हैं आमिर खान को ये भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि आमिर खान ने 15 अगस्त को, जी हाँ, यानी कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने टर्की की यात्रा की। वहाँ पर वो टर्की के राष्ट्रपति की जो वाइफ हैं उनसे मिले, और इस मुलाकात की फोटोज टर्की की जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो वाइफ है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, लिखा आई एम ऑनर्ड टू मीट आमिर खान, और इस तरह का एक पॉजिटिव मैसेज लिखा। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं आमिर खान से सख्त नाराज बैठे हैं, और लोगों के कई सवाल हैं। सवाल इसीलिए भी हैं क्योंकि टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाकर चीजें कर रहा है। जी हाँ, टर्की कट्टर मुस्लिम चीजों की तरफ जो है यू नो फॉरवर्ड हो रहा है, जिस रीजन से टर्की अपने पैर पीछे कर रहा है इंडिया की बहुत सारी चीजों से, और इंडिया से जबरदस्ती दुश्मनी मोल ले रहा है। अब यहां पर सवाल इस बात का आता है कि जब टर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से और क्यों भला आमिर खान गए वहाँ पर उनसे मिलने के लिए और उनसे भेंट की, उनसे मुलाकात की। सो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं, जहाँ टर्की कट्टर मुसलमान पंथी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात के सवाल खड़े करें। सिर्फ जनता नहीं बल्कि कंगना रनौत से लेकर वीएचपी, ये सभी लोग जो है ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब उनका देश हमारे देश के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है तो फिर आप क्यों जाकर वहां पर मिल रहे हैं। सो इस सवाल का जवाब आमिर खान देते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग इनके सवालों से कितने सहमत हैं, यानी कि कंगना के सवालों से आप कितने सहमत हैं, और जनता जो सवाल उठा रही है उससे आप कितने सहमत हैं, ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।